हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कैसे यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 में और ट्रक एसएमपी के लिए हम लोग लोकल मोड कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस ट्रक के अंदर जो जो आइटम दिख रहा है सारे लोकल मोड ही है। यहाँ पे जो दिख रहा है देन यहाँ पे और ये पीछे वाला भी लोकल मोड का फायदा है कि आप कोई भी मल्टीप्लेयर खेलो, कॉन्वॉय या फिर ट्रक एसएमपी, आपको मोड डिसेबल करना नहीं पड़ेगा, अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो ये मोड इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को प्लगइन एंड मोडिंग टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। जिसने ये मोडिंग टूल बनाया ओनली इसके डिस्कॉर्ड सर्वर में मिलता है ये मोडिंग टूल। तो सारे लिंक मैंने नीचे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिख रहा है मोडिंग टूल है यहाँ पे और नीचे ये प्लगइन, ये दोनों फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पहले मोडिंग टूल डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे इसका लेटेस्ट वर्जन जो दिख रहा है ये डाउनलोड करना है यहाँ से, और नया वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा। अपडेट वर्जन का नोटिफिकेशन मोड टूल पे आ जाएगा, इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड हो गया, तो इस फाइल को आप कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाए रखा है, इस पे अंदर रखता हूँ इसको मैं। ओके, तो अभी डाउनलोड करते हैं प्लगइन। प्लगइन फाइल आपको गेम डायरेक्टरी में रखना पड़ेगा। तो ये डाउनलोड हो गया, तो इसको ओपन करते हैं। गेम डायरेक्टरी हम लोग यहाँ से जाएंगे स्टीम ओपन करके, यूरो ट्रक सिमुलेटर, देन यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैनेज पे जाएंगे, देन यहाँ पे ब्राउज लोकल फाइल्स डायरेक्टरी ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग बिन पे क्लिक किया एंड विन 64, देन यहाँ पे एक प्लगइन्स नेम का एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और इस फोल्डर के अंदर ही फाइल को पेस्ट करना है। मेरे ऑलरेडी यहाँ पे है इसलिए मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, तो मोड टूल इंस्टॉल करना कम्प्लीट हो गया। अभी गेम को ओपन करते हैं, कुछ सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा। गेम सेटिंग्स, तो हम लोग यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ पे जो स्टीम क्लाउड सेटिंग्स है इसको डिसेबल करना है, अनटिक करना है, नहीं तो काम नहीं करेगा मोड। और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है और यहाँ पे इसके बाद गेम के अंदर जाना है और एक सेव फाइल क्रिएट करना है। कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे मोड नाम से सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेव फाइल हमने क्रिएट किया ये आपका लोकल कंप्यूटर में ऐड हो जाएगा, तो वहाँ से हम लोग मोड कर सकते हैं। अभी गेम को मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग मोड टूल ओपन करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। और सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जाना है टूल्स पे और यहाँ पे क्लिक करना है डेव एंड सेव फॉर्मेट एंड ओके कर देना है यहाँ पे। और नेक्स्ट हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारे मोड्स दिख जाएंगे इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे दिख रहा है इंटीरियर मोड्स, एडोन्स, और यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रक्स का आइटम, देन इंटीरियर एक्सटीरियर आइटम, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। या फिर सेम चीज़ें आप लोग इसके डिस्कॉर्ड में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आइटम सारे, एक्सटीरियर आइटम, इंटीरियर आइटम्स, सब कुछ है यहाँ पे, सारे ट्रक्स का आइटम्स। मैं यहाँ पे मेरा मोड इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग सेम है, तो मैं मेरे सर्वर से डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे मेरे डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा सारे मोड्स, मेरा ग्लासेस आइटम्स, देन यहाँ पे स्टीयरिंग आइटम्स, इंटीरियर आइटम्स, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सर्वर में ज्वाइन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जाना पड़ेगा ऊपर चैनल्स पे, और यहाँ पे जो सेक्शन है यहाँ पे आपको ये सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मोड्स का चैनल दिखेगा नहीं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मोड्स का चैनल। और यहाँ पे लोकल मोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे मोड कैटेगरी यहाँ पे दिख जाएगा और मोड टूल का डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा यहाँ पे, एंड अपकमिंग मोड सारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा जितने भी मोड्स आने वाले मेरा। ओके, तो सबसे पहले इंटीरियर मोड इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ से मैं ये डेटूल वाला मोड यूज करता हूँ यहाँ पे, इसको डाउनलोड करते हैं अभी। और ये डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करते हैं। अब इस मोड फाइल को हम लोग जहाँ पे वो टूल रखे थे वहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, मोड फोल्डर नाम देता हूँ, कोई भी नाम दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोल्डर के अंदर ही ये सारे फाइल एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ओके, तो अभी गेम के अंदर चलते हैं और एक एड ऑन आइटम ऐड करते हैं, इंटीरियर आइटम। और यहाँ से हम लोग आइटम ऐड करने वाले हैं इंटीरियर डैशबोर्ड आइटम, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी एक आइटम ले सकते हैं यहाँ से। अगर आपके पास यहाँ पे आइटम नहीं है तो ट्रक एसएमपी से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये डॉल यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ये तीन लोकेशन से कोई भी लोकेशन यूज़ कर सकते हो या फिर तीनों लोकेशन यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाने के लिए ऐसे के एक आइटम यूज़ कर रहा हूँ। जो आइटम मैंने यहाँ पे ऐड किया है इसका नाम यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए, मोड इंस्टॉल करने के लिए। एंड यहाँ पे कन्फर्म ऑर्डर करते हैं और गेम को एक बार सेव करते हैं सेम सेव फाइल पर।
ओके तो अभी गेम को मिनिमाइज करते हैं और मोड इंट्रो को ओपन करते हैं। देन यहाँ पे लोकल मोड पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो मैंने अभी जो डॉल यूज़ किया है उसको रिप्लेस करके डेडपूल वाला आइटम ऐड करेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन पे हम लोगों को जो प्रोफाइल पे हम लोग मोड इंस्टॉल करने वाले वो प्रोफाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे सेव फाइल जो हमने अभी सेव किया है मोड्स नाम से, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अभी क्लिक करेंगे सिलेक्ट डाउनलोड मोड पे, जो हम लोगों ने यहाँ पे जो डाउनलोड किया है मोड वही फोल्डर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फोल्डर के अंदर आते ही यहाँ पे इसको सिलेक्ट फोल्डर कर लेना है। तो इस वाले फोल्डर को आप लोग यहाँ पे दिखाना है जहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक किए थे मोड। ओके फोल्डर सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे दिख जाएगा न्यू मोड सिलेक्टेड। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर जो सेक्शन है यहाँ पे इस तरह का विंडो ओपन होगा। आप लोगों को शायद इतना आइटम दिखेगा नहीं, मेरा फुल कस्टमाइज इसीलिए दिखा रहा है। तो सबसे पहले रेड वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, जो हम लोग डैशबोर्ड आइटम इंस्टॉल करने वाले, इसलिए यहाँ पे जो दिख रहा है सेट डैशबोर्ड इसके अंदर ही होगा आपका आइटम। यहाँ पे नीचे दिख रहा है जो डॉल हमने यूज़ किया था वही इसका नाम है यहाँ पे दिख रहा है। डॉल आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा सिलेक्टेड है यहाँ पे डॉल आइटम। तो अभी इंस्टॉल मोड पे क्लिक करना है तो ये मोड इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल। और यहाँ पे नीचे लिखा दिख रहा है आपको यहाँ पे गेम के अंदर जाके गेम को सेव फाइल को लोड करने के बोल रहा है। तो गेम के अंदर चलते हैं और सेम फाइल को लोड करते हैं यहाँ पे। और ये देख रहे हैं वो डॉल वाला आइटम रिप्लेस होके हमारे डेडपूल का आइटम यहाँ पे ऐड हो गए, कुछ इस तरह का दिखता है। और भी आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलो बाकी दो जगह पे आइटम ऐड करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मग ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे ये सनग्लास, यानी यहाँ पे कंफर्म करते हैं। फिर से इसको सेव करेंगे सेम सेव फाइल पे। गेम को मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे दूसरा मोड यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। तो मैं ये वाला मोड यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ कार्स मूवी का कार। तो इसको सेम जगह पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे जहाँ पे डेडपूल मोड था, तो इसको यहाँ पे डिलीट करेंगे फाइल को। और ये कार फाइल यहाँ पे डालेंगे मोड, और मोटर पे जाएंगे फिर से सेम। और यहाँ पे फिर से प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने सेव किया है अभी अभी। और यहाँ पे सेव फाइल को दोबारा सिलेक्ट करेंगे और सेम सिलेक्ट मोड पे क्लिक करेंगे। और ये फोल्डर पहले से ही है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करेंगे डैशबोर्ड सेक्शन का आइटम यहाँ पे दिख रहा है। तो मग हमने डाला था ये यहाँ पे है और नीचे सनग्लास। तो मैं यहाँ पे सनग्लास सिलेक्ट करता हूँ, इसको रिप्लेस करेंगे। एंड यहाँ पे इंस्टॉल मोड। तो चलो गेम को फिर से गेम के अंदर चलते हैं। लोड गेम पे जाके सेम वही प्रोफाइल को लोड करेंगे मोड प्रोफाइल। और ये देखो रिप्लेस हो गया सनग्लास को रिप्लेस करके ये कार आ गया। और ये मग को भी आप लोग दूसरे मोड से रिप्लेस कर सकते हैं। और एक रिप्लेस आइटम इंस्टॉल करते हैं ट्रक का ग्लासेस का आइटम, यहाँ से ऐड करते हैं फिर से ग्लासेस आइटम। आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऑप्शन, या फिर सारे आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये आइटम सेलेक्ट करता हूँ कूरियर, इसको सेलेक्ट करता हूँ कंफर्म ऑर्डर एंड फिर से सेव करेंगे गेम को सेम प्रोफाइल पे। ओके तो गेम को मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे। अभी ग्लास एडवांस का आइटम डाउनलोड करते हैं यहाँ से। तो मैं ये वाला आइटम डाउनलोड करता हूँ। ओके तो डाउनलोड होकर इसको ओपन करते हैं और सेम जगह पे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहले वाले को इसको डिलीट करेंगे यहाँ से और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके तो अभी मोड टू पे चलते हैं और यहाँ पे फिर से हम लोग सेव फाइल को सिलेक्ट करेंगे और मोड प्रोफाइल को, क्योंकि अभी हम लोग नया आइटम ऐड किया है गेम के अंदर। एंड सिलेक्ट डाउनलोडेड मोड सेम फोल्डर, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर से हम लोगों को नया आइटम सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि ग्लास आइटम है। तो यहाँ पे सेट ग्लासेस से लिखा है तो इसके अंदर ही है। देखो नीचे गुड़ियर जो ऐड किया था सेम, तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। एंड इंस्टॉल मोड, गेम के अंदर जाके लोड प्रोफाइल पे जाके सेम सेफ फाइल लोड करना है। और ये देखो आ गया आइटम लोड करने के बाद। तो डैशबोर्ड एंड ट्रक ग्लास आइटम मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है, और सबसे ईजीएस्ट इंस्टॉल है ट्रक का आइटम, ओनली ट्रक रिलेटेड आइटम सबसे ईजीएस्ट है। तो अभी वही इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए गेम को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मिनिमाइज करते हैं गेम को। ओके तो अभी मोड सेक्शन पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो दिख रहा है ट्रक आइटम्स के अंदर दोनों ट्रक है यहाँ पे स्कैनिया एंड वॉल्वो। तो फिलहाल मैं ट्रक स्कैनिया यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए स्कैनिया का मोड देखूंगा। बाद में और भी ट्रक का मोड ऐड होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कैनिया पे चलते हैं, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे।
डाउनलोड हो गया, तो इसको सेम जगह पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, पहले जहाँ पे थे दूसरे मोड, तो इस फोल्डर में इसको डिलीट करेंगे और इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अभी मोड मेनू पे चलते हैं। अगर आप लोगों ने गेम सेव किया है यहाँ पे तो फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रोफाइल। मैंने सेव नहीं किया था, फिर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी सिलेक्ट मोड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और ये फोल्डर पहले से है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं वो सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। बस आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल मोड पे बस। ओके, तो यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। अभी गेम के अंदर चलते हैं, फिर से लोड करेंगे यहाँ पे, लोड गेम पे जाके प्रोफाइल सेव फाइल को लोड करेंगे। और ये देखो आ गया आइटम, यहाँ पे दिख रहा है नोटबुक जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था, डायरेक्ट ऐड हो गया यहाँ पे। ओके, तो और एक आइटम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गेम को सेव नहीं करेंगे, मिनिमाइज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आइटम डाउनलोड करते हैं, तो मैं ये डाउनलोड करता हूँ माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर। डाउनलोड कम्प्लीट, तो इसको सेम जगह पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, पहले वाले मोड को ट्वीट करेंगे और यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। चलते हैं मोड मेनू पे, और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं सिलेक्ट करेंगे, बस सिलेक्ट डाउनलोड मोड करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर, देन यहाँ पे जस्ट इंस्टॉल मोड, और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अभी गेम करते चलते हैं, सेम गेम फिर से लोड करेंगे इससे फाइल। और यहाँ पे देखो ऐड हो गया आइटम, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर। तो ऐसे करके कोई भी मोड आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो मोड पूल बना है उसके सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से अच्छा लगे। मोड इंस्टॉल हो गया जिस फाइल पे, उस फाइल पे ऊपर या कोई और फाइल पे सेव कर सकते हैं, बार बार लोड करने की जरूरत नहीं है। एक बार हो गया इंस्टॉल तो कंप्लीट, और जितनी बार सेव करोगे उसके बाद तो वो सेव ही रहेगा गेम के अंदर, बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अभी मैं ट्रक असेंबली में हूँ, यहाँ पे दिख रहा है मैं यहाँ पे गेम के अंदर ही हूँ ट्रक असेंबली में, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मोड सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी देखते कैसे मोड को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए मॉडिंग टूल पे जो हम लोकल मोड पे, वहाँ पे ऊपर दिख जाएगा अनइंस्टॉल मोड करके एक सेक्शन, बस वहाँ पे जाना है। सेम तरीके से प्रोफाइल सेट करना है जिस प्रोफाइल पे मोड इंस्टॉल है, और सारे मोड दिख जाएंगे यहाँ पे जो जो मोड इंस्टॉल है यहाँ पे। बस ये साइड पे जो पैनल है यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और नीचे अनइंस्टॉल मोड पे क्लिक करना है, एंड गेम के अंदर जाना है, वही प्रोफाइल लोड करना है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे दोनों मोड इंस्टॉल आ गया, ये नोटबुक और स्टीव का माइनक्राफ्ट, यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया मोड, तो उसे करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जॉइन माई डिस्कॉर्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस मोड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।